so when we have extreme values in the data we will usually you know choose another mayor to report the central value in the data which will be kind of more appropriate and realistically reporting the center of the data so median is the choice When we data mein extreme values hon, to humne, agar center value report karnieta to median is a right choice median jasa hamne percentiles lecture, median is also a percentile

सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइज ऑर्डर डेटा विच इज़ थ्री सो आप एक्सट्रीम पे चाहे यहाँ पे फाइव थाउजेंड डाल दें या फाइव मिलियन डाल दें स्टिल द मीडियम विल बी द सेम विच इज़ थ्री विच इज़ मोर एक्यूरेट टू रिपोर्ट क्यों क्योंकि मजोरिटी ऑफ द डेटा आपका सारा इसी एंड पे है सो ड्यू टू वन और टू और फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज हम उसको uh, वो जम्प करके बहुत आगे चली जाएगी विच नॉट विल बी विच विल नॉट बी अप्रोप्रिएट आई थिंक So, median is our 50th percentile and it divides the data into two equal parts. Uh, but uh, we find the central value of the ordered data. exercise, mm -hmm. We found 50th percentile through the formula and it's exactly almost. Median is the point on the measurement and scale below which 50% of the score of the distribution are located. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के परसेंटाइल का मतलब है कि उस सर्टन रैंक के ऊपर फॉर एग्जांपल इफ इट्स फिफ्टी परसेंटाइल इट मींस फिफ्टी परसेंट ऑफ द पीपल आर स्कोरिंग बिलो और एट दैट लेवल ये नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई इफ़ यू हैव टू फाइंड अ मीडियम फॉर दिस थर्टीन फाइव सेवन फिफ्टी ट्वेंटी यू कैन नॉट जम्प टू देंट्रल वैल्यू के जी दो इधर छोड़ दें दो इधर छोड़ दें और सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लें विच इज ऑलवेज रिमेंबर मीडियन इज अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द विल ऑर्गेनाइज देम इन ऑर्डर सो फाइव सेवन थर्टीन ट्वेंटी द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज थर्टीन दिस इज अ वे हाउ वी फाइंड मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा एंड दिस इज एन एग्जाम्पल Uh, अगर हमारे पास वैल्यूज़ इवन नंबर्स में हो यानी ऑड में तो हम सिंपली कर लेते हैं कि दो हम इधर छोड़ दें दो इधर छोड़ दें और सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लें लेकिन वेन वी हैव इवन नंबर्स यू हैव टू टेक द सेंट्रल वैल्यूज सो हमने एग्जैक्टली फोर और फाइव सेंट्रल वैल्यूज़ हैं वी विल ऐट दम डिवाइड बाई टू टू फाइंड एग्जैक्टली देंटर ऑफ दिस डेटा सो इन दिस एग्जाम्पल वी विल ऐट फोर प्लस फाइव एंड देन डिवाइड बाई टू विच इज़ 4.5 would be the बी द so how सो find वी in the इन द ग्रुप्ड डेटा उसके लिए वही फार्मूला है जो हमने परसेंटायल्स में किया हुआ है uh, यानी हम उसमें ग्रुप्स बनाएंगे क्लास लिमिट्स बनाएंगे उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होगी हम मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करेंगे यानी क्लास दैट कंटेन्स फिफ्टी परसेंटाइल स्कोर और फिर उसके बाद हम प्लग इन वैल्यूज करके उसके अंदर मीडियन फाइंड आउट करेंगे सो दिस इज़ अ डेटा Uh, इसके अंदर हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी है अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते इस वक्त आप लोग रियल में तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू कैलकुलेट योर सेल्फ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट लेकिन यू मे यू नो पॉज दिस वीडियो एंड देन यू कैन यू नो प्लग इन वैल्यूज एंड ट्राई टू फाइंड आउट बाय यू नो यूजिंग योर मेमोरी और पिछले लेक्चर को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट इट इस स्लाइड के अंदर आई हैव कैलकुलेटेड द मीडियम जिसमें मैंने उनकी क्लास लिमिट्स बनाई हैं क्लास लिमिट्स हमने सीखा है पिछले लेक्चर में बनाना उसके बाद फ्रीक्वेंसी चूँकि मैंने फिफ्टियथ परसेंट टायल कैलकुलेट करना है और मेरा टोटल एन फिफ्टी है तो फिफ्टीत परसेंट टाइल का मतलब है फिफ्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू फिफ्टी सो हम उसमें मीडियन वैल्यू निकालने के लिए इसकी जो वैल्यू निकलेगी दैट इज़ फिफ्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू फिफ्टी विच इज़ ऑफकोर्स ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव मैंने देखना है कि वो किस क्लास के अंदर लाइ करा है सो आई विल गो टू द्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम एंड देन आई विल फाइंड आउट कि ये ट्वेंटी फाइव की वैल्यू कहाँ पर लाइक कर रही है रिमेंबर कि ये जो हमने निकाला है ट्वेंटी फाइव दिस इज़ अ रैंक दिस इज़ अ पोजिशन आई हैव टू फाइंड आउट कि इसके ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है सो ट्वेंटी फाइव इज इन दिस इसके अंदर होगा सो दिस इज़ आवर मॉडल क्लास आपने अपनी मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली दिस इज़ स्टेप वन कि आपने अपना फिफ्टी परसेंटाइल निकाल के मॉडल क्लास आइडेंटिफाई की और उसकी रियल लिमिट्स आपने देख ली नाउ यू विल प्लग इन द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला विच इज़ एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल और आप इसमें वैल्यूज जब प्लग इन करेंगे तो मैंने लोअर लिमिट लेके उसके बाद हमने ये निकाला है एन बाई टू विच इज़ ट्वेंटी फाइव ये मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया यहाँ पे और फिर मैंने इसके नीचे वाली ्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो द मॉडल और प्रोसीडिंग क्लास की आप ले लेते हैं अगर डेटा आपका सेंडिंग डिसेंडिंग में तो ट्वेंटी फोर इज़ द फ्रिक्वेंसी बिलो एंड देन हमारा जो है उसकी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी इज़ टेन और फिर उसका जो हमारा क्लास इंटरवल है इट इज़ ऑल्सो टेन सो आई विल प्लग इन द वैल्यूज़ एंड आई विल कैलकुलेट द मीडियन हेयर विच इज़ थर्टी वन सो हमारा फिफ्टियथ परसेंट जो है थर्टी वन इज़ द फिफ्टियथ हमारा है और विच इज मीडियन विच इज़ सेंट्रल वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इन टू टू इक्वल पार्ट्स मीडियन के क्या फ़ायदे हैं मीडियम जैसा मैंने अभी बताया कि एक्सट्रीम स्कोर्स हों तो हम यूज करते हैं इसी तरह जैसा फर्स्ट करें अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी ऑफिस में एवरेज सैलरीज कितनी आप देते हैं सो वी हैव टू पीपल हु आर वर्किंग ऑन अ काइंड ऑफ मतलब हायर रैंक के ऊपर जिनकी सैलरीज जो है वो सिक्स डिजिट्स में हैं और फिर हमने सात स्टाफ रखा हुआ है जिसके अंदर मोस्टली हमारे रिसर्च असिस्टेंट्स हैं या फिर हमारे स्टाफ हैं जिनकी सैलरीज जो है वो टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड के दरमियान है मोस्टली सो ओनली टू पीपल हैव अ सिक्स डिजिट सैलरी एज कंपेयर टू अदर फिफ्टीन पीपल हु आर वर्किंग अंडर टू ऑफ हु हैव सैलरी बिटवीन टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड बिलो ट्वेंटी थाउजेंड उनकी सैलरी है तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एवरेज सैलरी आप इनको क्या देते हैं तो मे बी मीडियन इज अप्रोप्रियट मेयर टू रिपोर्ट रादर देन मीन क्योंकि मीन उन दो बड़ी सैलरीज को जमा करके जम करके बहुत आगे आ जाएगी विच वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट सो डेटा सेट्स इस तरह के होते हैं जहाँ पे हमें मीडियम रिक्वायर्ड है लेकिन इट्स यू हु विल डिसाइड के हाउ वी विल चूज मीन और मीडियम तीसरा मैयर जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का वो है मॉड मॉड बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमारे पास नॉमिनल डेटा हो या ऑर्डिनल डेटा हो कैटेगोरिकल uh, डेटा हो तो तब हम मॉड यूज़ करते हैं मॉड बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है डेटा के अंदर एंड इट आल्सो गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू और सेंटर ऑफ द डेटा जैसा ये एग्जांपल है अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है तो जो मोस्ट फ्रीकुंटली अकरिंग वैल्यू होगी दैट विल बी द मॉड जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर वन थ्री फोर फोर फाइव 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 सिक्स सेवन सेवन तो जो वैल्यू विच इज़ अकरिंग मोस्ट इज़ फाइव इट इज़ अकरिंग थ्री टाइम्स सो इन दिस डेटा मॉड विल बी फाइव इसी तरह ग्रुप डेटा के अंदर भी मॉड फाइंड आउट करना आसान है और इवन आप एक ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख सकते हैं क्यों क्योंकि जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक बन रही होगी दैट विल बी द मॉड वैल्यू क्यों क्योंकि पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्ड टू द फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पे हाइस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस ग्रुप के अंदर हैं तो आप उससे भी मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोस्टली हम कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए या नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए देखते हैं जैसा एक छोटा सा ये सर्वे हमने क्लास में किया है आस्किंग द फास्ट फूड चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स के व्हाट दे प्रेफर तो उसमें आप देख सकते हैं कि के एफ सी ट्वेंटी पीपल प्रेफर्ड मैकडोनल्ड वॉज चॉइस फाइव पीपल बर्गर किंग एट पीपल प्रिफर्ड दैट सब एंड हार्ड इज फिफ्टीन सो अब हमने अगर फाइंड आउट करना है कि वट इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ स्टूडेंट्स अमंग द फास्ट फूड गिवन तो मे बी हमारा मेकडॉनल्ड इज़ एन आंसर बिकॉज मोस्ट पीपल मेजोरिटी और मैक्सिमम पीपल और द ग्रुप विद द मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसीज आपका मेकडॉनल्ड है तो हमारे पास फेवरेट फास्ट फूड का आंसर अगर हमने निकालना है सेंट्रल वैल्यू तो हम उसमें मोर्ड uh, निकाल लेंगे इसी तरह हमारे पास डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें मॉड की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है और बड़ा यूज़फुल होता है मॉड कैलकुलेट करना फॉर एग्जांपल अगर एक डिज़ाइनर है जो शूज़ बनाता है या फिर ये जितने भी शू सेलर्स हैं जितने भी हमारी ब्रांड्स हैं या आम जूते बनाने वाले भी आ, कैसे वो ऑर्डर करेंगे कि कितने पेयर्स किस नंबर के बनाए जाएँ तो द मॉड एक्चुअली गिव्स दैम इन्फॉर्मेशन मसलन हमारी चूँकि हमारे नॉर्मल अगर हमारे देखें सारी विमेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल तो फाइव सिक्स साइज कम खीन या लड़कियों का होगा और इसी तरह टेन एलेवन भी कम लड़कियों का होगा मजोरिटी लोगों का शू uh, साइज़ होगा आपका एट सेवन एट होगा तो इसी तरह वो जब ऑर्डर करेगा या शू बनाएगा तो कम पेयर छोटे नंबरों के या बड़े नंबरों के बनाएगा बट मोस्टली ही विल ऑर्डर सेवन और एट नंबर्स शूज़ क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के हैं इसी तरह जब हम ड्रेस uh, डिज़ाइनिंग की एग्जाम्पल ले लें आपका मीडियम साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल के कंपेयर करके तो मॉड uh, हमें काफ़ी सारा uh, जैसा अगर आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर एंड आई हैव टू लॉन्च विंटर कलेक्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ तो मे बी आई कैन डू अ क्विक सर्वे कि कौन से कलर्स यंग गर्ल्स विल प्रिफर फॉर द विंटर फॉर दिसंबर जनवरी सो so, जो मॉड कलर होगा जैसे मॉड वैसे मॉडर्न से है मॉडर्न का मतलब है कि जो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे मजॉरिटी जो पसंद करेगी मे बी आई विल फोकस ऑन दैट कलर मोर सो पीपल वट दे लाइक आई डिलीवर मोर ऑफ दैट सो दिस इज़ मच अबाउट मॉड और ग्रुप uh, डेटा के लिए इसका भी फॉर्मूला है बट आई व्रेफर कि हम उसको एस uh, पी में कैलकुलेट कर लें बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वेन वेयर and why we should prefer one central tendency mayor over other mayors which we will discuss in next uh, module